अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। चैप्टर है हमारा वेरिएशन, सही है, और उसकी एक्सरसाइज हमारी चल रही है 18.2। उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह एज इट इज सेम है, सिर्फ हमारे पास फर्क क्या है कि हमारे पास जो है वेरिएबल्स चेंज करती है। यानी कि पहले हमारे पास ए बी सी डी और बी क्यू आर एस दिया हुआ था, और इसमें हमें एम और एफ दिया हुआ, सही है। अब कह रहे हैं कि इफ एफ वेरीज डायरेक्टली एज एम क्यू, यानी कि एफ जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज एम क्यूब के, सही है। और m की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 3, और f की वैल्यू हमारे यहाँ दी हुई है 81, सही है। हमने क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है यहाँ पे, और इक्वल्स टू लगाना है, और कॉन्स्टेंट लगाना है यहाँ पे k, और यहाँ पे आ जाएगा एम क्यूब, सिंपल, सही है। अब हमने क्या करना है, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है, जिस तरह हमने पिछले 3 क्वेश्चन में किया था। अब एम क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो k जो है वो बराबर हो जाएगा f ओवर एम क्यूब के, सही है। सिंपल, अब वैल्यूज पुट करनी है हमने। अब k इक्वल है हमारे पास यहाँ पे f, f की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 81, सही है। f की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 81 ओवर m पे क्यूब है, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास 3 है, और 3 का यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और इसका आ जाएगा यहाँ पे क्यूब, सही है। अब हमें पता है यहाँ पे 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल्स टू 81 ओवर 3 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 27, सही है। अब हमने 27 से काट दो, या 3 के टेबल से भी कट सकते हैं, हमारे पास 3 9 27, सही है, और 3 2 6, तो यहाँ पे के लिए आ जाएगा, और 3 7 21, उसके बाद 9 1 9 9 3 21, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे के इक्वल्स टू 3। अब के की वैल्यू आ गई, अब जैसे के की वैल्यू आई हमने क्या करना है, दूसरी कंडीशन में जाना है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है हमें, फाइंड एफ, एफ निकालो व्हेन एम एम इक्वल्स टू 5। हमने एफ की वैल्यू निकाली है जब एम की वैल्यू हमें दी हुई है 5, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइंड f when m equals to 5, सही है। इक्वेशन सेम रहेगी हमारे पास, f बराबर है f equals to k m क्यूब, सही है। k की वैल्यू भी फाइंड की हमने, k की वैल्यू है हमारे पास 3, और m का क्यूब है, m की वैल्यू हमें दी हुई यहाँ पे 5, वो वाली पुट नहीं करनी जो बाद में दी हुई वो पुट करनी है, तो 5 का आ जाएगा यहाँ पे सिंपल क्यूब, सही है। f बराबर है 3 मल्टीप्लाई आ गया 5 का क्यूब, हमें पता क्या होता है, 5 का क्यूब होता है हमारे पास 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 125, और 125 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 375, तो आपकी वैल्यू आ गई हमारे पास 375। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो सॉल्व हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्या करना है कि यहाँ पे एफ दिया हुआ था पहले, अब एफ की जगह हमारे पास वाई दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है, सही है। सिंपल, हमने कंडीशन पूरी करनी है सबसे पहले, इफ y वेरीज इनवर्सली। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया इनवर्सली का, इनवर्सली का मतलब होता है हमने 1 अपॉन की फॉर्म में लिखना है, तो y वेरीज इनवर्सली एज x का मतलब है y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन x के, सही है। और हमें यहाँ पे y की वैल्यू क्या गिवन है, 10 गिवन है, एंड x की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है। सबसे पहला काम हमारा वही है कि हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट k फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और k अपॉन x लिख देंगे, सही। आप k अपॉन x डायरेक्टली लिख लो, या तो k मल्टीप्लाई 1 अपॉन x लिख लो, बात एक ही है, सही है। हमें यहाँ k की वैल्यू चाहिए, x यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इक्वल हो जाएगा हमारे पास y x के, y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 3 है, सिंपल पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो y की जगह आ जाएगा 10 और x की जगह आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 10 3 30, k की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 30। हमने कॉन्स्टेंट फाइंड कर लिया, जैसे ही कॉन्स्टेंट फाइंड किया उसके बाद हमने क्या करना है, कंडीशन में जाना है। कंडीशन क्या कह रही है हमें, फाइंड y, y निकालो when x इक्वल है 10 के। इक्वेशन सेम रहेगी हमारे पास, इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल है k ओवर x के, बस वैल्यूज पुट करनी है। y इक्वल है k की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, k की वैल्यू हमारे पास है 30 ओवर x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, तो 0 से 0 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे सिंपल 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा वो सॉल्व होना है। अच्छा, तो पार्ट नंबर 6 है इसका, के द वॉल्यूम ऑफ अ द वॉल्यूम बी ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ इट्स प्रेशर, सही है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने कांस्टेंट फाइंड करना है के, और उसके बाद जो है हमने सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद एंड में प्रेशर निकालना है। तो इक्वेशन है हमारे पास द वॉल्यूम वी ऑफ अ गैस, वी जो है वो वेरीज इनवर्सली। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया इनवर्सली का, इसका मतलब 1 अपॉन में आएगा, इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, तो इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ इट्स प्रेशर, सही है।
और P of a gas if V equal to 12 and P equal to 9. तो हमें यहाँ पे P दिया हुआ है 9 और V हमें यहाँ पे दिया हुआ है 12. तो सिंपल हमने वैल्यूज पुट करके सबसे पहले हमने K कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल ली है. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और इक्वल्स टू आएगा, सही है. और वन अपॉन यहाँ पे आएगा K और प्रेशर की जगह P आ जाएगा, सही है. सिंपल वैल्यूज पुट करनी है अभी. अंडर रूट पी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अंडर रूट पी मल्टीप्लाई बाय बी बराबर हो जाएगा के वन जा के, सही है. अंडर रूट पी की जगह 9 है तो हम अंडर रूट 9 पुट कर देंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास 12 गिवन है तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इक्वल है के के. 9 हमें पता 3 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू के के. 12 3 जा 36 तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 36, सही है. अब इस k की वैल्यू को हमने पुट करना है प्रेशर के लिए, इक्वेशन सेट करवा के हमने यहाँ से प्रेशर निकालना है. तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शन था हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट पी के और हमने उसको बनाया था v इक्वल से k अपॉन अंडर रूट पी. हमने यहाँ पे p फाइंड करना है तो v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा और अंडर रूट पी यहाँ डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अंडर रूट पी हमारे पास बराबर हो जाएगा K over V के. K की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी 36 तो यहाँ पे 36 आ जाएगा और अपॉन में हमारे V की वैल्यू गिवन है 4, ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा 4 तो इसको हम काट सकते हैं 4 वन ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 अंडर रूट पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, सही है. अब हमें अंडर रूट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए पी की वैल्यू चाहिए. हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो पी से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर, सही है. स्क्वायर से रूट कैंसिल, 9 का स्क्वायर 81 तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 81. अच्छा जो पार्ट नंबर 7 है उसमें भी हमारे पास क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट आ रहा है, सही है. तो हमारे पास जो एफ है यानी कोई भी फोर्स होगी है और हमारे पास यहाँ पे आर है, आर का मतलब होता है रेडियस, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है ये. तो हमारे पास इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन दिया हुआ है और एफ की वैल्यू 8 दी हुई है और आर की वैल्यू हमारे पास सिंपल 2 दी हुई है. तो पहला काम हमारा वही है कि हमने कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करनी है. एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा और कांस्टेंट और अपॉन में इसके आर स्क्वायर आ जाएगा, सही है. हमें के की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर के. तो हमें एफ की वैल्यू दी गई यहाँ पे 8, एफ की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आर एडीएस, इसकी वैल्यू हमें दी गई 2 और 2 का यहाँ पे स्क्वायर तो 2 का सिंपल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे. 2 का स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 4 ज़ा 32 तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32, सही है. अब के की कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली. अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है, एक कंडीशन में बोला हुआ है एफ निकालो यानी कि फोर्स निकालो व्हेन आर इक्वल्स टू 5 और आर हमें निकालने का बोला है जबकि एफ दिया हुआ है 24. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ व्हेन आर इक्वल्स टू 5 फाइंड करेंगे, सही है. तो हमें इक्वेशन सेम है हमारे पास, एफ इज इक्वल्स टू के ओवर आर स्क्वायर. हमने एफ फाइंड करना है, एफ पहले से अलग हुआ है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे. एफ बराबर है के की वैल्यू है हमारे पास 32 आ जाएगी यहाँ पे और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5 तो 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 25 तो एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32 अपॉन 25 क्योंकि इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो एफ की वैल्यू आ रही है हमारे पास 32 अपॉन 25. अब हमने निकालनी आर की वैल्यू, कंडीशन नंबर 1 थी ये और ये कंडीशन नंबर 2 है कि आर फाइंड करो व्हेन एफ इज इक्वल्स टू 24, सही है. अब हमने क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है तो इक्वेशन हमारे पास वही है, एफ बराबर है के ओवर आर स्क्वायर के. हमने आर स्क्वायर फाइंड करना है, आर स्क्वायर फाइंड नहीं करना, आर फाइंड करना है तो ये आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा के ओवर एफ के. वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, के की वैल्यू हमें अभी हमने निकाली कितनी है 32 और एफ, एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है कितनी 24. तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको 2 वन ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 वन ज़ा 2 1 केरी 2 6 ज़ा 12
फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है ये, 2 6 12, 2 8 16 और 2 3 6, 2 4 8। तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4/3, सही है। अब हमने क्या करना है कि हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें इसकी वैल्यू 4/3, हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर पे भी रूट आ जाएगा और 4/3 पे भी सिंपल रूट आ जाएगा, सही है। और अंडर रूट 4 की जगह क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका अंडर रूट 4 का मतलब है 2 और 3 पे जो है वो रूट आ जाएगा, और इस तरह जो हमारे पास आर की वैल्यू सिंपल आ जाएगी।